भारत के 6 ऐसे अजीबोगरीब कानून जिन्हें आपने भी जरूर तोड़े होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टो लाइब्रेरी। मैं आपका साथी लेकर आ गया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम लोग 6 अजीबोगरीब कानून के बारे में जानेंगे जो कि आपने भी कभी ना कभी तोड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कानून, बचपन में हम क्रिकेट खेलते हुए बॉल लेने बहुत बार दूसरों की प्रॉपर्टी में गए हैं और बड़े होने के बाद भी कभी हम दूसरों की जमीन में घूमने चले जाते हैं। लेकिन भारतीय कानून की धारा 441 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के घुसता है तो इसे अपराध माना जाता है और प्रॉपर्टी का मालिक प्रॉपर्टी में घुसने वाले व्यक्ति की शिकायत करता है तो उसे जेल तक हो सकती है। दूसरा कानून, जब भी आप मॉल में घूमने जाते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि दुकान के बाहर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पुतलों को लेडीज इनर वियर पहना कर रखी जाती है। लेकिन भारतीय पार्लियामेंट के इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 के अनुसार स्त्री को सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से पेश करना गैर कानूनी है। तीसरा कानून, बहुत से लोग चाहते हैं कि रास्ते पर उन्हें बहुत सा पैसा गिरा हुआ मिले और बहुत से लोगों को कभी न कभी मिले भी होंगे। लेकिन 1878 के इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अनुसार अगर आपको रास्ते में 10 रुपए से ज्यादा पैसे गिरे हुए मिलते हैं तो तुरंत आपको नजदीकी पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पुलिस को पता चल जाता है कि पैसे आपको मिले तो आपको चोर माना जाएगा और सजा दी जाएगी। चौथा कानून, बहुत से लोगों को पतंग उड़ाना पसंद होता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। भारत के एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के अनुसार अगर आप पतंग उड़ाना चाहते हैं तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और आश्चर्य की बात यह है कि यह एक्ट हवाई जहाज उड़ाने पर भी लागू होता है। अगर आप बिना अनुमति के पतंग उड़ाते हैं तो आपको 2 साल तक सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। पांचवा कानून, आपने बाजार में या मेलों में कान और दांत साफ करने वालों को जरूर देखा होगा और उन्होंने शायद आपको भी कान साफ कराने के लिए पूछा होगा। लेकिन बता दें कि डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948 के सेक्शन 39 के अनुसार आप किसी भी राह चलते व्यक्ति से आपने कान या दांत साफ नहीं करा सकते और ऐसा हमारी भलाई के लिए ही किया गया है क्योंकि इन लोगों के पास कोई मेडिकल ज्ञान नहीं होता है और ये आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं और आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। छठा और आखिरी कानून, भारत के लाइसेंसिंग ऑफ कंट्रोल प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट 1960 के अनुसार 10 से ज्यादा जोड़े एक ही जगह पर एक साथ नहीं नाच सकते हैं और अगर किसी प्रोग्राम में ऐसा होता है तो पुलिस उस प्रोग्राम को बीच में ही बंद करा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कानून कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल फैक्टो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।